इंस्पेक्टर साहब, ये कोई फ्रॉड ना है। हमेशा हमेशा के लिए निकाल दी जो आपके लिए था। ये धुआं कहां से आ रहा है? भाई के रूम में आग? भाई, भाई दरवाजा खोलो। भाई क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो भाई? इधर आओ। ये बेटो, क्या? मॉम, पापा, बड़ी माँ, जल्दी आइए। नकुल पानी ला जल्दी। रघुवीर, रघुवीर, क्या हो गया? रघुवीर, बच्चा, ये बच्चा, ये क्या कर रहा है तू? जल्दी नकुल, नकुल, हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? रघुवीर, 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 ये क्या किया तूने? तूने कसम खाई थी ना कि तू शराब नहीं पिएगा। अभी अभी तेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है बेटा। क्यों क्यों अपनी जिंदगी के साथ तू? मैं क्या खेल रहा हूँ? खेल तो हो रही है मेरी जिंदगी के साथ, खिलौने की तरह। कभी तोड़ दिया, कभी जोड़ दिया, कभी परमानेंटली तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया तुमने प्रगति? तुम कुछ भी करती ना चल जाता। ये नहीं करना चाहिए तुम्हें प्रगति। तुमने ऐसा क्यों किया? अब क्या कर दिया उस मनुष्य ने रघुवीर के साथ? बेटा, क्या हाल कर लिया तूने अपना? हर दोस्त को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। अगर उसको अपनी लिमिट नहीं पता ना, वो फ्रेंड नहीं, वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। शर्म के सारे पर्दे तो तुम उतार ही चुके हो, शर्म तो बची नहीं। अपने नाम क्या, उसका नाम लगा लो ना। ज-
चल मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही आप? हाया देखो देखो क्या हो गया इस घर में। एक बार मेरे बच्चे रघुवीर की तरफ देख, उसकी हालत तो देख। अब तो तुम खुश हो ना, तो ताली बजाओ, नाचो गाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि तुम यही चाहती थी ना। कितनी भलाइयां ली थी मैंने अपने बच्चे की, और तुमने तुमने उसे खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश की ना। पार्टी में जो तुमने किया मैं जानती हूँ, ये सब कुछ तुमने जानबूझ के ही किया। ये अब क्या कह रही है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो इसलिए क्योंकि तुम रघुवीर पर इल्जाम लगाना चाहती थी। तुम यही चाहती थी कि वो तुम्हारे सामने आए, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, तुम्हारे सामने भीख मांगे। और तुम उसे माफी ना देके उसकी तकलीफ और बढ़ाना चाहती थी। वाह प्रगति वाह, बधाई हो। जो तुम चाहती थी आखिरकार तुमने वो कर ही दिया ना, बना दिया ना मेरे बच्चे को एक बार फिर से देवदास। लेकिन नहीं, याद रखना अभी भी उसकी बड़ी माँ जिंदा है। बोलो बोलो, मैं जानना चाहती हूँ और क्या क्या किया तुमने मेरे रघुवीर के साथ, जवाब दो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ प्रगति। अच्छा तो तुम नहीं बताओगी ना? ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं बताओगी। बताओ बात करनी है तो मुंह से खींच, हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। आज तो सिर्फ हाथ रोका है, अगली बार ऐसा किया तो शायद मैं खुद को रोक ही नहीं पाऊं। इस घर में अकेली हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे, इसलिए आवाज और हाथ दोनों नीचे रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। और रही बात आपके लाडले बेटे की, तो उसके देवदास बनने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार, मेरा चौथा और मेरा तेरवा बहुत पहले कर चुके हैं। और अब होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मैं इस घर में इसीलिए हूं क्योंकि इस घर पे और इस कंपनी पे मेरा हक है। आप किस हक से इस घर में? क्लास में पानी का लेवल बढ़ जाए तो पानी छलक के गिर जाता है, उसी तरह से मेरे सब्र की भी एक लिमिट है। ज्यादा चेक किया तो पानी छलकेगा नहीं, क्लास हाथ में टूट के आपको चुभ जाएगा, समझिए आप। और ये एडवाइस सिर्फ आपके लिए नहीं, आप सबके लिए है। ये मुझे समझाने से बेहतर होगा आप अपने लाडले को समझाइए, संभालिए उसे। वाह प्रगति वाह, रघुवीर के लिए तुम्हारी नफरत जितनी बढ़ेगी मेरी और तुम्हारी लव स्टोरी उतनी ही रंग लाएगी। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, हमेशा कोशिश की कि आपकी नफरत को प्यार में बदल दूं, लेकिन आज जो आपने मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया उसने मुझे बदल दिया। रखी जो आपने मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, कभी नहीं।
लीजिए, दूध पी लीजिए। बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसेस कुंती अपनी दवाइयां टाइम पे लें, समझ गए? हाँ सर। क्या हुआ बड़ी माँ को? आपको बड़ी माँ हर्षित, उसको बोल देना जो लोग वादा तोड़ते हैं उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। I'm sorry, बड़ी माँ। देखो मैं जानता हूँ मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नहीं पीऊंगा, मैंने कोशिश भी की लेकिन पता नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुझे दर्द हुआ रघुवीर तो तूने पी ली, लेकिन माँ को जो दर्द हो रहा उसका क्या? दर्द हुआ तो पी ली, दर्द गया तो कसम खा ली, हमारे बारे में कब सोचेगा यार? दोबारा तुझे इस हाल में देख के माँ सोई नहीं पूरी रात, सिर्फ तेरे बारे में सोच सोच के रोती रही। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी। चलो माफ भी कर दिया तो क्या फायदा, आज तो नहीं पिएगा कल फिर से वही गलती करेगा। अब तो मान ले रघुवीर की प्रगति तेरे लिए सब कुछ है, हम 100 एहसान करें तुझ पर, लेकिन हम तेरे लिए या तेरी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखते। वादा किया था ना कि तू कभी नहीं पिएगा। हाँ बड़ी मम, मैंने वादा किया था। अच्छा आखिरी बार माफ कर दो, आज के बाद पक्का नहीं पियूंगा। बड़ी माँ हो ना, उसी का फायदा उठा रहा है तू। नहीं बड़ी माँ, मैं फायदा नहीं उठा रहा। मैं फायदा नहीं उठा रहा ना, तो ठीक है मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, प्रगति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। और अगर इस बार तूने कसम तोड़ी ना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। मैं कसम खाता हूँ बड़ी माँ, मैं आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। ठीक है बेटा, जा अब तू, जा आराम कर ले और सुन, खुद को संभाल लेना बेटा। हर्षद, केमिस्ट से 2-3 बॉटल्स ग्लिसरीन की लिया मेरे लिए, झूठे आंसू बहा बहा के ना अब इस बॉडी में पानी की कमी हो गई है, और अगर 2-3 आंसू बहाने से रघुवीर मेरे हाथ में आ जाता है तो क्या बुरा? कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है ना। अब पैरों में गिरने की बारी झूठों की है, क्योंकि आप लोगों का ये सच मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। से कुछ ना बोला तुमने? मैं बोल रहा हूँ एक बार मुझे रघुवीर से बात करने दो। नहीं सास, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत से ज्यादा जरूरत है, इससे कैसे काम चलेगा प्रगति? तुम्हें ये उदास देख के ना मेरा जी जले है। अच्छा एक मिनट, सॉरी सास, वो यूर वेलकम। हाँ अरे भूल गई के, कॉलेज में हम सारे लड़कों ने शपथ ली थी कि जब भी कोई लड़की टकराएगी तो बोलेंगे यूर वेलकम। तुम इतने बदमाश हो ना, चलो मैं चलती हूँ। बाय बाय। मेरी ऐसी बदमाशियां देखने को बहुत मिलेगी अभी, हाथ डाल ले। कभी मेरा हाथ पकड़ा था और आज किसी और की बाहों में हूं, इतना गलत कैसे हो गया मैं कि तुम्हें समझने में गलती कर बैठा। 2-3 आंसू बहाने से रघुवीर मेरे हाथ में आ जाता है तो क्या बुरा? रात को ज्यादा पी ले,
और अब कॉफी पे कॉफी, पक्का कुछ खाया भी नहीं होगा, इससे उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये लीजिए, और कुछ चाहिए मैडम? अब नहीं, थैंक यू। अच्छा सुनो, ये बिस्किट मुझे नहीं चाहिए, एक काम करो रघुवीर सर को जाके दे दो। मैडम मैं गया था उनके पास, वो कुछ खा ही नहीं रहे, बस कॉफी पे कॉफी मंगवाए जा रहे हैं।